हाँ तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मेरा नाम है महावीर और आप देख रहे हो लर्निंग तक। डेली अपडेट्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए डेली अपडेट्स में लेकर आता हूँ करंट अफेयर्स, समसामयिक की ताज़ा अपडेट्स, जो खबरें होती हैं वो और करंट फैक्ट्स। तो आज की पहले अपडेट्स में पहला पॉइंट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, कौन सी फिल्म को। तो हिंदी फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है अंधाधुन फिल्म को। अंधाधुन फिल्म को 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हिंदी फीचर फिल्म का मिला है। तो अंधाधुन फिल्म का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बुक आरन काउ जेंटलमैन स्पाई मास्टर, जो बुक है आरन काउ जेंटलमैन स्पाई मास्टर है वो किसने लिखी। तो वो लिखी है नितिन गोखले ने। नितिन गोखले की ये फेमस बुक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग, जो अभी बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग जो हुआ था उसका पहला जो खिताब है वो किसने जीता है, वो जीत लिया है गुजरात जाइंट्स ने। गुजरात जाइंट्स ने बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का पहला जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसने किस सदस्य की सदस्यता है वो रद्द कर दी और क्यों कर दी, ये मैं बताता हूँ आपको। अब्दुल्ला आजम खान जो है उसकी सदस्यता है वो रद्द कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि अब्दुल्ला आजम खान ने विधानसभा चुनाव जो है वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लड़ा था। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इन्होंने चुनाव लड़ा था, इस वजह से इनकी जो सदस्यता है वो क्या हो गई है, रद्द हो गई है। अगला है, किस राज्य ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गेंडों को लाने की अनुमति दी है। टाइगर रिजर्व में क्या लाए जाएंगे, गेंडे। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से राज्य के रिजर्व ने गेंडू को लाने की मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड ने जो है वो गेंडू को लाने की अनुमति दे दी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा ने किस टीम को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का पुरस्कार दिया है। तो ये दिया है बेल्जियम को। बेल्जियम को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का अवार्ड मिला है लगातार दूसरी साल। लास्ट ईयर भी यही थी और इस बार भी यही है, तो बेल्जियम को ही वापस सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का पुरस्कार मिला है, ये भी आप ध्यान में रखना। आप क्वेश्चंस को साथ में नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कर सकते हैं। रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठें ताकि लिखने के बाद में जो है आप इन क्वेश्चनों को वापस नहीं भूलोगे, ठीक है। वैसे रिवीजन के लिए वीडियो को वापस आप देख सकते हो, लेकिन लिखना भी अच्छा रहता है, तो आप लिख भी सकते हो ये क्वेश्चंस आप साथ साथ में। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताता रहता हूँ, तो आपके पूरा वीडियो समझ में आए। खाद्य तेल के मामले में सबसे बड़ा आयातक तो कौन है, वो है भारत। खाद्य तेल के मामले में जो खाने का तेल होता है, जो ऑयल होता है उसमें आयातक सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है भारत। अगला है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है। तो 66वें जो वही अभी मैंने बताया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो दादा साहेब फाल्के का अवार्ड है वो किसको मिला है, वो मिला है अमिताभ बच्चन को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बच्चन को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगला है, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर, जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी मैं एक क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आता हूँ, तो डेली अपडेट्स की वीडियो में भी क्वेश्चन आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे और ये जो अपडेट्स है ये आप अच्छे से समझते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्निंग तक।